मिलावट के खिलाफ कमलनाथ सरकार शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चला रही है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के हर जिले में मिलावटी सामान पर कार्रवाई हो रही है। इसी अभियान के अंतर्गत आज भोपाल कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के अंतर्गत जन जागरूकता रैली निकाली जाएगी। इस रैली में स्कूली बच्चों को भी शामिल किया जाएगा। वहीं मिलावट के खिलाफ भी इस अभियान में 54 सैंपल निगेटिव मिले हैं। खाद्य पदार्थों पर कार्रवाई में भोपाल में 10 FIR दर्ज हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि बहुत जल्द भोपाल को फिट रखने के लिए एक ऐप की शुरुआत करने पर हम काम कर रहे हैं, जिसमें व्यक्ति अपने स्वास्थ्य संबंधी डेटा सेव करके रख सकता है। जैसा मैंने आपको बताया कि हमारी आज की आपसे जो मुलाकात रखी है, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि आप लोगों से हमारा इंटरेक्शन हो। पहले भी जब कुछ साथियों से मेरी मुलाकात हुई थी तो आप लोगों ने कहा था कि हमें रेगुलर इंटरेक्शन रखना चाहिए। इससे जो बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी बातें हैं, वो व्यवस्थित तौर से हम लोगों को पता लग जाती हैं। और एक उद्देश्य ये भी था कि जो अभी हम लोगों ने कार्रवाइयाँ की हैं अलग अलग फील्ड में, उसके बारे में भी आपको अवगत कराना। और एक हम लोग रैली प्लान कर रहे हैं, वो रैली इस बात के लिए है कि जो शुद्ध के लिए युद्ध पूरे प्रदेश भर में चला है, तो उसमें जन जागरूकता फैलाना, ताकि लोगों को भी ये पता रहे कि वो किस तरह की चीज़ें खा रहे हैं, उनको क्या सावधानियां रखना चाहिए, और कहीं पे भी उनको किसी भी तरह की शिकायत होती है, कोई बात रहती है, तो किसको संपर्क करना चाहिए, कैसे बताना चाहिए, तो उसको लेके एक जन जागरूकता रैली भी हम लोगों ने प्लान की है। जो कि हम लोग बारिश के कारण, अब इसको जब बारिश थोड़ी सी कम होती है तो उसको हम लोग करेंगे, और प्रेफरेबली किसी छुट्टी के दिन करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ। तो उसके संबंध में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि भोपाल में अब तक हम लोगों ने 446 नमूने लिए हैं, और इसमें जो नमूने लिए गए हैं उनमें बहुत सारे ऐसे नमूने जो फेल हुए थे, 54 लगभग फेल हुए थे, उन नमूनों को हम लोगों ने ये विश्लेषण किया कि जो प्रथम बार फेल हैं उनमें हम लोगों ने, और जो सिर्फ अवमानक हैं जिसमें कोई ऐसी केमिकल की मिलावट नहीं है, तो उसमें जो एक्ट के अंतर्गत प्रावधान है उन प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। लेकिन जहाँ पे हमने देखा कि रिपीट ऑफेंडर, और ये लगातार फाइन होने के बाद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार मिलावट कर रहे हैं और उनका धंधा ही मिलावट करना है, तो उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने उनकी FIR भी दर्ज की है और भी उसमें कठोर कार्रवाइयाँ की हैं, और ये कार्रवाइयाँ लगातार जारी रहेंगी। और ये जो शुद्ध के लिए युद्ध है, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सफ़ेद जहर की हम बात कर रहे हैं, इसमें सब्जियों को, फल को भी, मुझे कुछ प्रेस के साथियों से ये फीडबैक मिला था कि जो फल की मंडी है वहाँ पे फल में भी कुछ इस तरह की चीज़ें होती, तो उसके भी सैंपल लिए गए, सब्जियों के भी सैंपल लिए गए हैं, मिठाइयों के भी सैंपल लिए गए हैं। अभी बीच में एक बहुत बड़ा हम लोगों ने रैकेट पकड़ा था, जहाँ पे वो जो लड्डू हैं उन लड्डुओं में मिलावट करके और कलर मिला के वो बनाते थे, और वो स्वयं भी कलर मिला रहे हैं, और उनको ये नहीं मालूम कि वो कलर हानिकारक है, जानते हुए भी लोग कर रहे थे। तो इसमें 10 FIR दर्ज की गई है, 2 मावा व्यापारी जो हैं उनको NSA किया गया है, और 1 दूध के व्यवसायी के विरुद्ध भी रासुका इसमें लगाई गई है, और लगातार ये कार्रवाई जारी है और ये जारी रहेगी। बस मेरा अनुरोध ये है सभी जो आमजन है उनसे भी, कि आपको जहाँ पे भी शिकायत मिलती है, जहाँ पे भी ऐसा लगता है, वो भी आप लोग आगे आएँ, हमें बताएं कि कहीं पे यदि सिस्टमेटिक तौर से इस तरह का हो रहा है, तो जो फीडबैक मिलेंगे तो और प्रभावी कार्रवाई हम लोग कर पाएंगे। भोपाल से EMS TV के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र मलिक के साथ राम पवार की रिपोर्ट।